आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपने इससे पहले जिस तरह से देखी जो पतंगे उड़ाने के लिए जो डोर बनाई जाती है, कितनी मेहनत इसकी लगती है और किस तरह से बनती है, तो हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आने वाला है और इन्हीं उपलक्ष्यों पर जो है पतंगे उड़ाई जाती है और बच्चों से लेकर बड़े तक काफ़ी ज़्यादा जो उत्साह रहता है पतंगे उड़ाने का, लेकिन इस पतंगे उड़ाते उड़ाते इस पतंगों के साथ जो डोरी लगती है, जो हम जिसे डोर कहते हैं, जिसे पतंगे उड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, वहीं पर हम चाइनीज़ डोर का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं, जो कि हानिकारक होता है और हर साल हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों को इसका नुकसान भी होता है। और पक्षियों की बात की जाए तो हज़ारों पक्षी जो है इसकी चपेट में आकर अपनी जान दे देते हैं और मर जाते हैं। और साफ तौर से अगर हम यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो डोर है पतंग के लिए, जो डोर बनाई जा रही है, कितनी प्रक्रिया इसकी, किस तरह की प्रक्रिया है, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं और किस तरीके से डोर बनाई जा रही है, कितने जो यहाँ पर टीम जो है वो काम कर रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर और इन डोरों पे रंग भी चढ़ाया जा रहा है और अभी डोर का जो काम जो है वो पूरा होना बाकी है। तो यहाँ पर हम बातचीत भी करेंगे उनसे जो ये डोर बना रहे हैं और काफ़ी समय से बना रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। मैं यहाँ आज तकरीबन 20 साल से महेशपुरा चौक पर डोर लगाता हूँ। ये इंडियन थ्रेड है, इससे कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं है, ये कटते हैं, ड्रस्टर भी हो जाते हैं, लेकिन आजकल ये काम बिल्कुल बंद हो चुका है। शहर आज जम्मू शहर के अंदर में सिर्फ एक ही एक मेरा अड्डा लगा हुआ है यहाँ पर महेशपुरा चौक पे। बाकी पिछले साल तो खैर कोरोना की वजह से यहाँ नहीं लगी थी, लेकिन उनके नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पर कम से कम 15-20 अड्डे थे। गट्टू का आज ये इतना बोलबाला हो गया है, हमारे पास 7-8 कारीगर हैं, मैं बढ़िया डोर लगाता हूँ, 12 प्लाई, 6 प्लाई, 9 प्लाई, यहाँ तक कि मैं 18 प्लाई तक का डोर यूज करता हूँ, ताकि मैं इन लोगों का अच्छा से इंजॉय कर सकूँ। लेकिन आजकल के बच्चों के मुँह पे चढ़ा हुआ है गट्टू, जबकि गट्टू पे ऑलरेडी डीसी साहब ने, हमारी प्रशासन ने बैंड लगा दिया है, काफ़ी समय से बैंड है, 3 साल कैद किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेसमैन जो हैं चंद सिक्कों के लिए ये उस बात को मानते नहीं हैं और लोगों के साथ, मैं कहता हूँ रक्षाबंधन जो है वो खुशियों का त्यौहार है, हम भाई बहन का ये त्यौहार है। मेरी ही बहन बाइक पे आए और ये गला उनका फंस जाए तो वो जो प्लास्टिक डोर है वो गला काटेगा ही काटेगा। तो बताइए कि उस त्यौहार के अवसर पर अगर मेरी सिस्टर के साथ ऐसी हादसा हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो वो तो त्यौहार एक कैसा त्यौहार मनाया जाएगा। ये त्यौहार है, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंडियन थ्रेड के साथ अपना एंजॉय करें। जाता है कि स्वदेशी को अपनाना चाहिए, या मतलब कि जिस तरह से बात की जाती है और कई समय से इस पर बैन भी है, तो क्या लगता है पूरे प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं आपके रोजगार पर भी इस पर फर्क पड़ता है? अरे जहाँ तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वो रोजगार तो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे हजारों कारीगर काम करते थे, आज के डेट में 2-4-5 कारीगर रह गए, तो रोजगार तो खत्म हो गया। सवाल है देसी का, तो देसी को अपना के लोग खुश नहीं हैं, वो प्लास्टिक डोर से उड़ा करके खुश हैं, है तो जानलेवा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बच्चे नहीं मान रहे इन बातों को। हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को समझाए कि अगर कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ अमल करना चाहिए इंसान को। डोर बनाने में कितना समय लग जाता है, कितनी मेहनत लगती है, वो हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर एक व्यक्ति को जो अपनी टीम के साथ काम करता है, कितनी मेहनत उसमें लगती है और तब जाकर जो एक डोर जो है वो तैयार होती है। देखिए एक रील 1000 मीटर की होती है, उस पर हम कम से कम 1-1.5 घंटा मेहनत करते हैं, 1.5 घंटा के दरमियान वो 1000 मीटर की रील जो है वो परफेक्ट तैयार हो जाता है। लेकिन आज के 20 साल हो गया मुझे यह काम करते हुए, अब थक चुका हूँ, मन करता है कि अब जम्मू में लगता है कि इंडियन थ्रेड खत्म हो चुका है, तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, थ्रेड बिक नहीं रही है, मार्केट वाले कहते हैं ऑर्डर है ही नहीं, डिमांड नहीं है। खरीदते हैं क्या इसको, जिस तरह से चाइनीज डोर तो गट्टू खरीदते ही हैं वो, लेकिन क्या इसके लिए भी क्या वो जागरूक है, क्या वो जानते हैं कि ये डोर खरीदने, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, क्या उसका आपको फल मिलता है? देखिए पहले तो ये बहुत अच्छा फल मिलता था, लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे इंजॉय करते थे, आज के डेट में भी हमारे पास अड्डे पे कई आदमी आते हैं जो कहते हैं मैं गट्टू से नहीं उड़ाऊँगा, बच्चों को मैं उसको छूने नहीं दूंगा,
ये इंडियन थ्रॉट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंपरा खत्म नहीं हुई है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो बदल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा इंडियन थ्रॉट को, इंडियन कल्चर को अपनाएं और चाइनीज को बहिष्कार करें। अच्छा बात है, क्योंकि उससे इतनी नुकसान है कि वो टूटने के बाद किसी भी सीवर में, गटर में फंस जाते हैं, लाखों रुपये का लास्ट में नुकसान होता है गवर्नमेंट को, वो जम जाते हैं। लेकिन क्या कर सकता हूँ इस टाइम। अब साफ तौर से इनका कहना है कि स्वदेशी जो है वो हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी 20 साल से लगभग अगर बात की जाए तो ये इसी तरह से इसका कार्य करते आ रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि लोग बड़ी खुशी से इसे खरीदते थे पहले के समय में, और अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं रुझान तो है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले हुआ करता था। तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम चाइनीज़ डोर या कहे कि गट्टू की बात की जाए तो लोग खरीदते थे, और अभी भी उसका जो चलन जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है अगर इसके मुकाबले की बात की जाए तो। कहीं ना कहीं अगर हम वो चीज़ खरीदते हैं तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम त्यौहार मना रहे हैं, साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कहीं ना कहीं हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए और चाइनीज़ डोर को हमें बाइकॉट करना चाहिए। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।